Hello friends. Uh, today my topic of discussion uh, is uh, decontamination studies uh, in isolator. Uh, today uh, I will discuss this topic in Hindi uh, to get most of the benefit of my viewers, uh, those who understand well in Hindi. So although I am a Bengali, I am not expert in Hindi. So please uh, apologies if if something I spelled wrong. सो so, दोस्तों इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे स्टडीज के बारे में सो प्रॉब्ली आई विल नॉट टॉक मच अबाउट द प्रोटोकॉल डिजाइन और कैसे प्रोटोकॉल बनाना है आई विल टॉक टूवर्ड्स द फंडामेंटल क्या थॉट होना चाहिए कैसे ये होता है फेलियर हमें क्यों दिखता है एक्चुअली उसको तो कैसे क्रिएट करना चाहिए सो दिस इन 2009 सितंबर आई नो रिचर्ड डेन Uh, he's very uh, uh, good person on um, all these contamination practices uh, from scan ag he's and we should thankful that he has made this wonderful presentation for us so a key factor either uh, those are very useful uh, aaphi, aapko ye, jo presentation he, we'll get it on uh, google so two key factors we should know that disinfection cleaning and decontamination so these two are very vital factor when we talk about cleaning and disinfection it can be manual uh, and when we talk about decontamination that is hydrogen peroxide uh, so vaporize hydrogen peroxide technology we are talking about right so both are important so not like that so you have a i mean aapke pass uh, h2o to decontamination process here so but you should not bother about the cleaning normal cleaning uh, process after after है, जो ये दिस इज द कॉन्सेप्ट आइसोलेटर इज इवॉल्व एंड अभी जो अपना टॉक्सिक प्रोसेस है उसके लिए uh, ये ऐड हो जाता है थर्ड नंबर सो आप देख सकते हो एसेप्टिक टॉक्सिक प्रोसेस पहला जो स्लाइड था उसमें एसेप्टिक प्रोसेस था सो टॉक्सिक सो इट सो आइसोलेटर प्रोवाइड्स ए पोटेंशियल बैरियर व्हेन यू हैंडल हो uh, ये हो सकता है, है. है so, uh, so, ज्यादा मैं इस डिटेल में नहीं चाहूंगा बिकॉज मेरा आज फोकस है बी आई फेलियर एंड क्वालिफिकेशन प्रोसेस के ऊपर सो आइसोलेटेड प्रोसेस कंट्रोल की हम जब बात करते हैं तब हम इक्मेंट डिजाइन की बात करते हैं

सो आइसोलेटेड एयर हैंडलिंग यूनिट ये जो आप देख, देख सकते हो, अ सेपरेट डेडिकेटेड एक एयर हैंडलिंग यूनिट है आइसोलेटर जो आइसोलेटर के अंदर एयर uh, को सर्कुलेट करता है और उसको रिटर्न कर लेता है अगेन uh, uh, हम अगर फिल्टर सिस्टम को देखेंगे इट समोलेटर कैन बी इंस्टॉल इन आई ग्रेट एट्स

तो वेलोसिटी जीरो पॉइंट फोर फाइव एम एस प्लस ट्वेंटी द प्रोडक्टिविटी डिफर हो सकता है एंड यूनिफॉर्मिटी भी डिफर हो सकता है राइट सो ये मैटर दैट विल बी क्रिटिकल वन फॉर यूर प्रोसेस राइट सो बट दिस इज द गाइडेंस वी नो हर एक गाइडेंस में लिखा रहता है तो दैट इज द गाइडेंस लिमिट बट uh, ऐसा कुछ थम रूल नहीं है इट कैन डिफर इट कैन बी लेस इट कैन बी हाई हाई में ज़्यादा टर्मेल के चांसेस रहते थे और लेस सो अगेन आपकी प्रोसेस पॉसिसटिबिलिटी है हाउ यू डिजाइन हाउ यू डेवलप सो उसके ऊपर डिपेंड करता है तो ये ये रिटर्न रिटर्न सिस्टम है आप देख सकते हो uh, एयर का ये सप्लाई है uh, ये ये नॉर्मल आइसोलेटेड के लिए जहां पर आप जेनरिक uh, जो टॉक्सिक नहीं है जो पोटेंट नहीं है अगर आप पोटेंट करना चाहते हो तो आपका जो सर्कुलेशन सिस्टम है आप देख सकते हो इधर कुछ नहीं है मेरा द uh, साइड uh, आप इसमें देखोगे सो so, रिटर्न uh, में भी मेरे पास है सो इफ यूर इम्पोर्टेंट और टॉक्सिक सो इट इट प्रोटेक्ट सो इट विल नॉट डिरेक्टलीशंस ये कुछ फीचर्स है रिटर्न सिस्टम के और द नीड्स ऑफ टेक्निकल स्पेस एरिया फॉर आइसोलेट ये कुछ क्रिटिकल जोन से आइसोलेटर की अगर हम बात करें तो जैसे आपका आरटीपी पोर्ट है जिसके थ्रू आप मेट्रियल इन करेंगे आइसोलेटर के अंदर और आउट करेंगे दोनों ही कर सकते हैं आप ये एयरफ्लो पाथ आप देख सकते हो दिस हेपा फिल्टर दिस इज रिसर्कुलेशन फैन आपको दिखेगा आइसोलेटर के अंदर ऊपर फैन है घूमता रहता है बाकी ये दरवाजा है ये सर्विस कवर है डिफरेंशियल प्रेशर इंडिकेटर है वेपराइजर प्लेट भी है इधर सो अगेन हम बात करेंगे वेपराइजर के बारे में ये प्लेट है तो अपने पास और भी मैकेनिज्म है एक्चुअली सो इसमें क्या होता है जो स्कैन वाला है एक्चुअली ये ये सॉल्यूशन है जहाँ हो, पारोक्साइड uh, क्या होता है uh, ये होता है होने के के बाद हेपा फिल्टर थ्रू में आते हैं। तो कैसे होता है? That is mechanism, जो हीटिंग प्लेट में लगेगा लगने के बाद इट विल नो जनरेटिंग फ्यूम देन वो कैरियर uh, गैस के साथ आपके अंदर आ जाएंगे सो so, इट्स uh, ये गैस फॉर्म में होता है एक्चुअली सो दैट्स प्रिंसिपल इधर कुछ मैकेनिज्म है वाई वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लैश एच टी टू प्रोपर्टीज तो कुछ बॉइलिंग पॉइंट इवोपरेशन एनर्जी और थर्मल uh, कैपेसिटी की बात किया गया है मैं उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा ये वेपोरेजर प्लेट कैसा होता है दिखाने के लिए डोजिंग यूनिट है मतलब इट शुड बी कंसिस्टेंट राइट जब हम लोग बात करते हैं आपके सिस्टम के अंदर इस uh, चूटू जा रहा है दैट शुड बी कंसिस्टेंट राइट

कंसिस्टेंटली स्ट्रीट स्प्रे होता है एंड इट विल गेट ए कंसिस्टेंट पी पी एम एंड एरिएशन सो वी जस्ट इंश्योर दैट जो हमने हाइड्रोजन पराक्साइड दिया है जो भी स्टेर गैस है अगर हम उसको बोलेंगे तो दैट दैट ऑलरेडी हो चुका है चेंबर से सो आपको पीपीएम में पता चल जाएगा जो सेंसर है वो बोल देंगे हाउ मच पी पी एम यू है

तो ये लाइक मिस्ट और शावरिंग लाइक इफेक्ट अंडर डालते हैं तो हल्का हल्का मिस्ट होता है जो बूंदे रहते हैं आपके आपके ग्लास में आपके इंटर आइसोलेटर के अंदर होते हैं तो जो पुराना वाला टेक्निक मैंने बताया वो गैशियस फॉर्म में आता है एक्चुअली सो दैट्स आउट बोथ द टेक्निक सो कभी कभी होता है कि हम हमारे पास एक आइसोलेटर रहते हैं हम लोग दूसरे आइसोलेट में इसी ट्रांसफर करते हैं तो यू शुड नो हाउ द mechanism इज राइट सो कैसे कंट्रोल होता है कैसे इंस्टीट्यूट सर्कुलेशन हो रहा है तो इसके ऊपर आपका जो डिस सिस्टम है दैट कैन इम्पैक्ट एक्चुअली जो आपका डिकंटेमिनेशन uh, जो प्रोसेस है uh, जो वी आई के ऊपर इम्पैक्ट है दैट कैन बी डिफर सो आपको उस हिसाब से साइकिल डिजाइन करना चाहिए सो अगेन येटिंग हाउ हाउ How you the mist actually. और ये जो टेक्निक माइक्रो कंडेंसेशन होते हैं जो आ, मैं मिस्ट की बात कर रहा हूँ तो वो सरफेस में आता है और इट माइक्रोब्स Uh, अभी अगर हम लोग कुछ करंट रेगुलेशन की बात करें तो वी कैन टॉक अबाउट पिक्स वी कैन टॉक अबाउट एज डी ए पिक्स क्या बोलते हैं गैशियस वेपर और लिक्विड ट्रीटमेंट सो so, uh, इस केस में हमारा दोनों टेक्निक सही है हमने गैशियस भी दिखाया और हमने वेपराइज भी दिखाया जो मिस्ट फॉर्म करता है सोल्यूशन uh, को स्प्रे करके अप्लाइड टू अर्फस यूजिंग एजेंट जो भी स्टेरिलेंट हो आपका दैट इज रिकोगनाइज एज कैपेबल ऑफ किलिंग बैक्टीरिया एंड फंगल स्पोर The process is normally validated using a biological indicator containing bacterial spores. Current practice uh, to seek 6 log reduction of the biological indicator organism recommended by manufacturer of gas generator. So, right, 6 log reduction. Cycle, so uh, uh, Cycle should be developed uh, with, a, with an appropriate margin of extra kill. To provide confidence in robustness uh, of uh, the decontamination process, normally four to six log reduction can be justified depending on the applications. Uh, the, the specific BI spore tighter should uh, used, and the selection of BI placement site should be justified. Right.

को पता नहीं नहीं है, है, है है तो तो ऐसा कभी नहीं है। है। मतलब आपका जो स्पोर है, वो सारे किल हो चुके हैं। right? तो हमें फंडामेंटल समझना चाहिए क्वालिफिकेशंस के डोंट कॉपी पेस्ट मुझे बहुत सारे ऐसे रिक्वेस्ट आता है मुझे प्रोटोकॉल दे दो आपके पास प्रोटोकॉल है आपके पास ये है. अरे आप से आप आप सोचो आप अप्रोच बनाओ आप स्ट्रेटेजी बनाओ आप प्रोटोकॉल कॉपी पेस्ट मत करो तो एक बायोलॉजिकल इंडिकेटर में बोलूंगा मॉड ऑफ माइक्रोबिल रिडक्शन आपको देखना है कौन सा मॉड है बिकॉज स्टीम का अलग प्रोसेस है गैस का अलग प्रोसेस है यू शुड सिलेक्ट राइट एप्रोप्रिएट बायोलॉजिकल इंडिकेटर राइट

एंड ऑफ द ऑल एंड ऑफ द साइकिल जब आप उसको इनक्यूबेट करोगे राइट तो मैं बोलता हूँ आपको हर एक एक्सपेक्ट पता होना चाहिए इट्स नॉट लाइक बायोलॉजिकल इंडिकेटर है तो माइक्रोबायोलॉजी का काम है इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग uh, डिपार्टमेंट का काम है वेंटिलेशन uh, है तो ओनली प्रोटोकॉल बनाना है आपको अगर एंड टू एंड टेक्निक पता करना है तो यू शुड लर्न मशीन यू शुड लर्न यूटिलिटी यू शुड लर्न द प्रिंसिपल द वे यू विल गेट द डिकमिनेशन आपको अंडरस्टैंड होना है बी आई कौन सा बी आई यूज कर रहे हो उसका पॉपुलेशन कितना है उसका डी वैल्यू कितना है वो कैसे क्लियर uh, होता है उसका स्ट्रेटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन कैसा है आपको अगर इन टू एन सारा नॉलेज नहीं होगा देन यू कैन नॉट क्वालिफाई एज अ लेटर तो अगर हम बोले वट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम बायोलॉजिकल इंडिकेटर तो आप देखो आपका टेस्ट ऑर्गेनिज्म कौन सा है जियो बैसिलस है आप चेक करो कौन सा आपका टेस्ट ऑर्गेनिज्म है वो आपका आपके प्रोसेस के हिसाब से डिफाइन है क्या नहीं है वही अभी नहीं डिफाइन पॉपुलेशन क्या है पॉपुलेशन इज वन इन टू टेन टू दावर सिक्स ये टू दी पावर है जस्ट रीड इट एज टेन टू दी पावर सिक्स स्पोर पर कैरियर इसका मतलब क्या है ईच कैरियर में आपके पास वन इंटू टेन टू दिक्स स्पोर है एंड ये डिफर करता है हर एक लॉट के हिसाब से हर एक वेंडर के हिसाब से हर एक बायोलॉजिकल इंडिकेटर के हिसाब से तो यू शुड आइडेंटिफाई दिस एज वेल कैरियर क्या है हाँ अपना गाइडेंस क्या बोलता है आ,

एंड इलेक्ट्रिकवेशन मैथड ये बहुत इंपॉर्टेंट है डोट मिक्सअप विद य आई अंडरस्टैंड एज ए फार्मास्यूटिकल कंपनी एज ए इंजटेबल ऑर्गेनाइजेशन आपके पास डिफरेंट किस्म के बी आई होंगे आपका जो ऑपरेटर कितना ट्रेंड है उसको कितना पता है तो यू शुड अंडरस्टैंड वेदर यू आर यूजिंग अप्रोप्रिएट बी आई फॉर अप्रोप्रिएट प्रोसेस Uh, यहाँ कुछ डेफिनेशन है यू कैन रीड इट आउट आपको पता है डी वैल्यू क्या है आई विल नॉट मैं इधर रिपीट नहीं करूंगा जहाँ पर आप ए, एक लॉग रिडक्शन को सिक्योर करते हैं और 90% परसेंट पॉपुलेशन कील हो चुका है उसको क्लेम करते राइट अगर डी वैल्यूं है उसका मतलब है, तो अगर हम अगर छः की बात करें तो सिक्स इंटून

ये साइकिल डेवलपमेंट के कुछ स्टेजेस है जो हमने बात किए हैं ये एक स्पीयरमैन कार्बे मेथड है एक्चुअली तो इसमें आप डिफरेंट इवन डिफरेंट बीआई

थोड़ा सा तो हो गया, ये ठीक है, यहाँ इसमें देखिए छः, पांच, चार, तीन, दो, एक, शूर, राइट? तो एवरी ग्रिड वन लॉक रिडक्शन को दिखाते हैं, मतलब आप छः से पांच के एक लॉक रिडक्शन, पांच से चार दो लॉक रिडक्शन, चार से तीन, तीन से दो, दो से एक, शूर, राइट? तो आप कोई भी

तो ये जो बॉक्स आप देख रहे हो ये इसमें सर्वाइवल के चांस रहते हैं मतलब चाहे आपका जो है सिक्स लॉफ रिडक्शन हो बट देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल क्योंकि जो किल टाइम कैलकुलेट होता है आप आपके बीआई के जो सी है उसको भी देख सकते हो दैट इज डी वैल्यू इनटू टू पॉपुलेशन प्लस फोर फोर बोले तो ये uh, मतलब ये ये मेरा छ हुआ छ के बाद सात आठ नौ दस मतलब

और uh, कुछ कुछ लोग इसको क्वारंटाइन जोन भी बोलते हैं मतलब इसमें uh, इसके बाद ये जो आपका टाइम जा रहा है इसके बाद योर स्पोर इज गेटिंग किल्ड 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 गेटिंग नॉट दैट राइट हो सकता है कुछ स्पोर अभी भी जिंदा हो तो ये इस ब्रैकेट इसलिए हम दोस्तों बोल रहे थे मतलब वेन यू सिक्यूरिंग मीन यू दी आई राइट तो ये विंडो के बाहर जाएगा तो have, uh, so जाएगा तो तो ये हैव सो आपको किल मिल डिपेंड करता है आपने आपका प्रोसेस कैसे डिजाइन किया है आपने सिक्स लॉक क्लेम किया है आपने कंप्लीट क्लिक किया है वो प्रोसेस क्या है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है uh, मतलब ये जो स्लाइड है ये ये लोग बोलना चाहते हैं इसके सरफेस सरफेस भी इन्फ्लुएंस बिकॉज जिस इसका सर्फेस भीट कर रहे हो ये अगर कुछ ऐसा होगा ऐसा होगा तो ये पीछे वाला क्या है वो नहीं होगा एक्चुअली बिकॉज ये सरफेस है ना मतलब इसमें पेनिट्रेशन होता है थोड़ा बहुत बट इट विल नॉट डीप डीपेट्रेशन अगर आपका मतलब उल्टा सीधा सरफेस हो अंदर जाके भी किल करेगा तो वो भी एक चांसेस हो सकता है जहाँ पर आपको पॉजिटिव मिले बाकी आप किस लोकेशन सिलेक्ट कीजिए करके चैलेंज कीजिए जो आपकी प्रोडक्ट कांटेक्ट सर्फेसेस होंगे बाकी देखिए मतलब आपका जो बीआई है एक दूसरे को स्टक नहीं करना चाहिए सपोज आप अगर मल्टीपल लगाते हो तो थोड़ा सा थो 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 पैरेलल लगाइए मतलब एक के ऊपर एक मत लगाइए दे शुड गेट अपॉर्चुनिटी फॉर गेटिंग द कंटैमिनेशंस तो इसमें मुझे इतना ही बोलना था लिस्ट सी अगर और कुछ है मेरे पास आपको दिखाने के लिए तो ये एक टीआर है व्हाट आई रिकमेंड टेक्निकल रिपोर्ट 51 ये एक टीआर है पीडीए का फिफ्टी वन है ये बायोलॉजिकल इंडिकेटर के ऊपर है जो गैस पेपर पेस्ट डीशन के ऊपर बात करता है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है इसमें जो फंडामेंटल्स है बहुत अच्छा है मुझे मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है और सेकेंड वन आई विल रिपोर्ट 34 ये डिज़ाइन वैलिडेशन आइसोलेटर सिस्टम के ऊपर बात करता है आप ये दोनों पढ़िए

इसको आप पढ़िए इसमें थोड़ा सा एम एन की एम एन पी कॉन्सेप्ट है सॉरी एम पी एन कॉन्सेप्ट है एक्चुअली uh, और इसमें हम लोग क्या करते हैं जैसे तीन बी आई यूज कर रहे हैं आप देख सकते हो तीनों बी आई में अगर ट्वेंटी सिक्स पॉपुलेशन है तो ऑलमोस्ट हम लोग एक लोकेशन में कितना चैलेंज कर रहे हैं छ बारह अठारह अठारह स्पोर हम लोग चैलेंज कर रहे हैं तो uh, काफ़ी हाई है एक्चुअली आप देखोगे uh, अगर छः लॉग रिडक्शन होता है तो आपका ऑलमोस्ट स्पोर लॉग रिडक्शन तो छः हो ही जाता है और uh, इसमें से आप देखिए मैंने एम पी एन जो मेथड है इसमें जो फॉर्मूला है मैं आपको दिखा देता हूँ ये आर्टिकल आपको मिल जाएगा आप और एक बार नाम देख लीजिए दोस्तों फॉर्मूला गौर से देख लीजिए ये एम पी एन का फॉर्मूला है आ, स्पेलिंग काफी टफ है मेरे लिए हेलवर्सन जेलिंग डर इक्वेशंस हो हो मेरा दांत टूट जाएगा करते तो तो ये ये हम हम लोग नेचुरल लॉग लिया है एक्चुअली एक्चुअली इधर और NYR की हम जो बात कर रहे हैं मतलब नंबर ऑफ इन टेस्ट इंडिविजुअल राइट हमें हमें पूरा कैलकुलेट कर नहीं करना है अगर आपके पास मतलब हंड्रेड बी आई है, 100 नहीं लिखना है actually, मतलब ये ग्रोथ नेगेटिव भी है डिस्क्रीट लोकेशन सो कितना ग्रोथ आया है पकड़ लीजिए आपने तीन दिया है राइट right? और आपके पास जो आपके पास जो स्टेराइल है नेगेटिव ग्रोथ बोले तो मतलब इधर आपका एक ही पॉजिटिव हुआ है दो नेगेटिव है तो इस केस में 0.4 आपका वैल्यू है राइट right? अभी एमपीएन कैसे इधर यूज होता है आ, स्पोर क्लॉक रिडक्शन ये आपका इनिशियल पॉपुलेशन है माइनस लॉग ऑफ एमपीएन जो मेरा डाटा आ रहा है तो मैंने इसको डाल दिया इधर सपोज 1.16 पकड़ लो आप ये आपका स्पोर uh, काउंटलेस के साथ माइनस करो तो आपका जो स्पोर क्लॉक रिडक्शन है वो मोर देन सिक्स एक्चुअली एंड दैट इज गुड अभी कभी-कभी आप बोलोगे ये मतलब इसको मैं 1 भी कर दूंगा तो फिर भी 6 है बट फंडामेंटल है एक्चुअली आपका अगर

सो दैट इज द कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं होता मतलब आपने डायने में रखा है जब उसके दो इंच के बाद और एक भी रखा वो फेल हो गया ऐसा नहीं होता है ये पढ़ लेना मैं जस्ट इमिनिट के जो कॉन्सेप्ट दिखा कैसे आप तीन रख रहे हो तो कैसे इसको कैलकुलेट करना है इस प्रोडक्शन और मेरा एक आर्टिकल भी है इसके ऊपर एक्चुअली ये आप देख लो जैसे हमने बचपन में पढ़ा था ना प्रोबेबिलिटी जैसे आपके पास दो सिक्का है और तीन सिक्का है सपोज आपने तीनों को उछाला तो हेड पड़ने का प्रोबेबिलिटी क्या है तो हो सकता है तीनों सिक्कों में हेड आ जाए आ, हो सकता है एक में टेल हो दोनों में हेड हो फिर हो सकता है पहले वाले में हेड हो दूसरे वाले में टेल हो तीसरे वाले में हेड हो और हो सकता है पहला दो हेड हो उसके बाद टेल हो ये भी हो सकता है दो टेल हो एक हेड हो तो दिस आर द ऑल कम्बिनेशन, राइट right? तो आ, आप भी जब बीआई लगाते हो एक साथ तो हो सकता है तीनों नेगेटिव आए राइट हो सकता है पहला वाला पॉजिटिव आए राइट लेकिन जब मैं पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर रहा हूं मैं बोलना चाहता हूं आपके पास जो बीआई है हो सकता है देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट इज नॉट अ राइट वन ओके

तो 12.5 बा, परसेंट प्रोबेबिलिटी है अब जितनी बार उछलोगे तीन, तीनों बारी हेड होगा सिमिलरली सिमिलरली अगर हम सपोज बात करें दो नेगेटिव राइट दो नेगेटिव तीन नेगेटिव की बात करें तो ऑलमोस्ट आप पकड़ लो इधर 30 प्लस 64 इसमें तीनों के तीनों पॉजिटिव है दोनों पॉजिटिव है मतलब है प्रोबेबिल 0.5% चांसेस है हैविंग अ ग्रोथ ऑफ पॉजिटिव बीआई है हो सकता है फेलियर और एक चीज क्या है ये ये एक यूएस चैप्टर है आप इसको फॉलो कर सकते हो ये वेपर स्टेट के बारे में बात करता है वेपर स्टेट वेपर फेज रिलेशन

uh evacuations or drying step uh period of interaction of the h2o2 to allow increase the concentration and excess uh, without excessive condensation though so, few different mechanism available hey, alternatively hydrogen peroxide can be introduced as a liquid followed by the target heating uh, following Exposure period and the chamber or the target irradiations are acceptable for the future process of material and the personal exposure, whichever list. इधर uh, आप देखोगे तो वेपराइज हाइड्रेशन प्रोसेस रिलेशन की बात किया गया है और एक पॉइंट है फॉलोइंग एक्टिविटीज आर डिफाइंड फॉर ए बैच प्रोसेस दे फॉर द एप्रोप्रिएट एडप्शन ऑफ द नेसेसरी व्हेन दे आर अप्लाइड टू द इंटरमीडिएट एंड कंटीन्यूअस रिलेशन प्रोसेस तो आप देखोगे जो प्रोसेस की बात किया जा रहा है इसमें इक्विपमेंट क्वालिफिकेशंस की बात किया गया है एम टी चैम्बर पैरामीटर डिस्ट्रीब्यूशन की बात किया गया है कंटिन्यूस ये कंपोनेंट मैपिंग की बात किया गया है लोड मैपिंग की बात किया गया है बायोलॉजिकल इंडेट की बात किया ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं बोलूँगा गाइडेंस आप देख सकते हो ये गैशियस गैशियसेशन यूएसपी चैप्टर है इसमें गैशियस फेज के ऊपर है सारे पॉइंट इसमें ये हाफ साइकिल फुल साइकिल अप्रोच भी डिफाइन है एक्चुअली दोस्तों ये कुछ टेक्निक है जिस तरीके से आप आइसोलेटर क्वालिफाई कर सकते हो पहला जो टेक्निक है उतना हेजी नहीं है ये है थोड़ा सा मैं ट्राई करूँगा पहला जो टेक्निक है कंप्लीट किल तो इसमें क्या होता है Uh, आप क्या कर सकते हो एटलीस्ट टेन टू थ्री स्पोर्ट्स पर इंडिकेटर ले सकते हो डाटा कैन बी जनरेटेड फ्रॉम द फिफ्टी बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफर थ्री कॉन्जिक्यूटिव टेस्ट रन तो ये स्टेटिस्टिकली हम लोग कंप्लीटली को डिफाइन कर सकते हैं अगर टेन टू थ्री बायोलॉजिकल इंडिकेटर लेते हैं विच इज इक्वल टू ग्रेटर देन फाइव लेवल और एज पर आई एस

Uh, इसमें भी हम लोग थ्री लॉक रिडक्शन एलिगेटर मैंने उस टाइम में दिखाया हाउ यू कैन यूज थ्री लॉक मतलब टेन टू दर थ्री भी यूज कर सकते हो फोर भी यूज कर सकते हो कम्बिनेशन यूज करके आप साइकिल को डेवलप कर सकते हो आपको जस्ट चेक करना है कितना uh, कितने टाइम के बाद कितना किल हो रहा है तो उसके आपको टाइमिंग पता चल जाएगा एक्चुअली तो फ्रैक्शनल मेथड भी काफी अच्छा है ये ओवरकिल मेथड है ओवरकिल में तो मतलब आपको आंख बंद करके टाइम को

मोर देन सेवन जा रहा है मतलब सिक्स में मैंने दस बोला है राइट right? तो ऑलमोस्ट आपका बारह लॉग रिडक्शन तो हो ही जाता है ये बाय मेथड है नॉर्मली कोई करता नहीं है ये आप बेस्ड ऑन आपका जो इन हाउस बाय है उसके हिसाब से उसको कंपेयर करके आप कंपेरेटिव बी एक यूज कर सकते हो डी वैल्यू अगर आप डिटरमाइन करते हो तो आपकी इन हाउस जो स्पोर्स है उसका तो दोस्तों मैं बोलूंगा ये जो स्लाइड है ये इंपॉर्टेंट है जब आपका फेलियर होता है आपको सोचना है ये चीज तो देखिए ये सर्वाइवल विंडो है एक किलिंग विंडो है जो मैंने पहली बात की सर्वाइवल मतलब इसके अंदर ही जिंदा रहेगा राइट अगर हम लोग छः ट्वेंटी सिक्स पॉपुलेशन लिया है तो ये जो मेरा स्पोर लॉग रिडक्शन टू 6 लॉग रिडक्शन के अंदर सर्वाइवल चांसेस हैं और 6 टू 8 इक्लिंग विंडो है तो इसके अंदर इसके अंदर तो किल नहीं हो रहा है बट इसके अंदर किल होना शुरू तो ये फ्रैक्शनल विंडो एक्चुअली मतलब योर स्पोर इज गेटिंग कम हो रहा है तो ये 8 के बाद आपको कंप्लीट मिल जाएगा तो इसलिए आप, आप सोच लेना मतलब Six log is not equivalent to killing of all 10 to the six spores actually. तो survival time ये है उसका formula minus two बोले तो four log reductions and population plus four बोले तो ये 10 log reductions. और इसको भी हम थोड़ा सा देख सकते हो माइक्रोबियल ये ये डेथ काइनेटिक्स है एक्चुअली ये ट्वेंटी नंबर सिक्स है ये माइनस सिक्स है इसको हम इधर में जाए ये छ क्या है सिक्स है ये सिक्स लॉग डायरेक्शन है ठीक है आपको पता है ये नीचे ये जो कट है ये कौ, कौन सा है सेवन लॉग डायरेक्शन है ये जो कट है अब देखिए ये आठ नंबर वाला क्या है एट लॉग डायरेक्शन है तो हमें एट तक अचीव करना है तो हो जाएगा चीज़ है। और हमें नाइन तक आना है तो ये है आपका थियोरेटिकल ट्यूब डायरेक्शन राइट तो हम अगर एट तक बात करें तो एट तक भी देयर इज अ चांसेस ऑफ वन पॉजिटिव और सेवन तक टेन पॉजिटिव टेन मतलब मतलब टेन टू दस सिक्स की बात कर रहे हैं तो उसमें उसमें से टेन परसेंट हो सकते हैं पॉजिटिव इसमें वन परसेंट तो आठ के नीचे जाए तो उतना अच्छा है मतलब आठ के बाद ये दस है ये दस है तो एट तक वन परसेंट है समझ गए ना मतलब एट लॉग डिटेक्शन के बाद भी आपका स्पोर्ट सर्वाइवल हो सकता है इसलिए एक चीज आप देखोगे ये हम फोर में हाफ साइकिल बोलते हैं ना हाफ साइकिल एक्चुअली हाफ नहीं है सिक्स में हाफ नहीं होता है हाफ होता है एट में और हाफ साइकिल फंडामेंटल ऐसा है हाफ साइकिल में आपको क्लेम uh, uh, करना एक्चुअली तो uh, आप अगर देखोगे ये पांच जो है इसको बोला है मिनिममेशन प्रोसेस टाइम है तो इसके बाहर जाओगे तो और भी अच्छा है तो दोस्तों ये मेरा बहुत ही छोटा सा एक प्रयास है आ, आ, हिंदी के माध्यम में ये नॉलेज आप लोगों तक पहुंचाने की आ, ये मेरा पहला हिंदी रिकॉर्डिंग है आ, आप लोगों का कमेंट लाइक शेयर बता देगा मुझे आगे हिंदी में वीडियो करना है कि नहीं करना है ये मैंने एफर्ट डाला है आई थिंक आप लोगों को अच्छा लगा होगा काफ़ी uh, मैंने इंफॉर्मेशन इसमें शेयर किया है काफ़ी गाइडेंस का इंफॉर्मेशन मैंने इधर शेयर किया है ये थोड़ा बहुत स्टोरी टेलिंग के हिसाब से मैंने बताया है इट्स नॉट लाइक द प्रजेंटेशंस जैसे आप लोग देखते रहे तो यूट्यूब में और uh, काफ़ी अलग अलग तरीके से लोग करते रहते तो इट्स जस्ट लाइक ए स्टोरी टेलिंग नरेशन शॉर्ट ऑफ ए आइसोलेटर के ऊपर थोड़ा सा स्टोरी है तो बता बताना आप uh, कैसा लगा होगा कॉमेंट uh, करना शेयर करना सो लेट सी अगर आप लोगों का रिस्पॉन्ड अच्छा गया सो अगला वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है मेरा थैंक यू वेरी मच और सजेस्ट करना मत भूलना अगर आप कुछ और हिंदी में सुनना चाहते हो मुझसे थैंक यू